अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का बताइए। क्या हुआ? साइन 30 का मान बताइए। क्या चीज? साइन 30 का बताओ बताओ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी। ए माइनस बी। ए प्लस बी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर एन न्यूज और आपके साथ मैं हूँ अलीशा गुप्ता। मैट्रिक का परीक्षा आज से शुरू हो चुका है। आज पहला दिन था, एग्जाम हो चुका है, बच्चे आने वाले हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उनका एग्जाम कैसा गया है और क्या कुछ वो लिख कर आए हैं। आइए। कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा गया। जैसा उम्मीद था वैसा क्वेश्चन? हाँ, कुछ अलग नहीं? कुछ अलग नहीं। कितना नंबर आएगा? देखिए कितना आएगा। उम्मीद क्या? उम्मीद पता नहीं कितना आएगा, जितना भी आ सके। पक्का अच्छा गया? हाँ अच्छा। तो बोलिए। अच्छा साइन 30 का मान बताइए। साइन 30 का मान 1/√2। अरे 1/√2 है। 1/2 होगा। कंफ्यूज हो गए। अच्छा पेपर कैसा आया था? कितना नंबर लगता है? 60 नंबर आ सकता है। क्यों, उससे ज्यादा क्यों नहीं? उससे अधिक पढ़े ही नहीं थे क्योंकि उतना मैथ दो था, थोड़ा वो ठीक ही था, ऐसा कोई हार्ड नहीं था, इजी था। साइन 30 का मान बताइए। 1/√3। 1/2 होगा। क्या? 1/2। पढ़ी नहीं थी? पढ़े थे, भूल गए। चंदन टिक्का लगा के आई है। क्या लगता है भगवान साथ देंगे? वो तो पढ़ाई पे डिपेंड करता है ना। पढ़ी थी। पेपर हाँ, कैसा गया? अच्छा गया। थोड़ा भी चीटिंग? नहीं कुछ भी नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट थी मैम। बहुत। हाँ। और क्या चीज का एग्जाम? मैथ का। अच्छा मैथमेटिक्स का स्पेलिंग बताइए। MATHMATICS। देख कर बता दी। क्या जितना पढ़ी थी वही आया या कुछ अलग? नहीं वही आया, हम लोग के सब्जेक्ट से आया। कितना नंबर आएगा? देखिए अभी नहीं कह सकते दी। कुछ भी नहीं कह सकते अभी। कुछ साइन 30 का मान बताइए। क्या चीज? साइन 30 का बताओ। साइन 30 क्या? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी। ए माइनस बी। आई ए प्लस बी। श्योर होके बताइए। श्योर होकर ए स्क्वायर माइनस 2ab। श्योर है? पक्का? गलत है आप। गलत है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा जी। पढ़ी थी पूरा? नंबर कितना है? पता नहीं। पता नहीं मिलाई होंगी ना कि कितना आप आंसर सही दी हैं। अब वो एग्जाम के बाद ही ना पता चलेगा कि कितना मार्क्स आया है। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का बताइए। क्या हुआ? मैथ्स का एग्जाम था ना? मत पूछिए मैम। मैथ्स का नहीं पूछे तो मैथ्स का ही एग्जाम। वन। देखिए आपकी फ्रेंड को पता है, पता था वन, तो आंसर क्यों नहीं? घबरा गया। साइन 30 का मान बताइए। क्या साइन है? 1/2। आप भी गलत बता रही। 1/2 साइन 30। अभी मैं गलत बोली थी। अच्छा क्या लगता है कितना नंबर आएगा? अब देखिए रिजल्ट आने के बाद हम अनाउंस कर देंगे कितना नंबर आएगा। कहाँ अनाउंस करिएगा बताइए, हमारी जनता का नंबर दे दीजिए। अपने स्कूल में अपने अच्छा अंदर चीटिंग हुआ? चीटिंग बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल के लिए चेकिंग के लिए लोग आए हुए थे तो चेकिंग। अच्छा सबसे टफ पेपर कौन सा लगता है आप? मैथ्स। मैथ्स तो बहुत डर लग रहा होगा। ज्यादा अभी फर्स्ट डे में था। हाँ लेकिन अब तो टेंशन फ्री हो गई। लेकिन मैथ्स नहीं होना चाहिए था क्योंकि आज के दिन OMR वगैरह भरा जाता है, हम लोग को कोई सीरियल वगैरह मालूम नहीं होता जिसकी वजह से टाइम टेकिंग ज्यादा होता है। लेकिन अच्छा है ना, एक मैथ्स का टेंशन निकल गया। फिर भी फर्स्ट डे मैथ्स सेकंड डे रखना चाहिए था। है ना टेंशन खत्म। अब बहुत दिन से डर लगा था कि एग्जाम कैसा जाएगा, क्या होगा। मैथ्स में तो बिल्कुल भी हम लोग वीक हैं थोड़ा, और फिर हम लोग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जब एग्ज़ाम दे दें तो थोड़ा अच्छा लगा। तो आपने देखा कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, हालांकि मैथ सब्जेक्ट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, बच्चे उसे टफ सब्जेक्ट मानते हैं। लेकिन जो भी बच्चे अभी एग्ज़ाम दे के निकले वो बहुत खुश है, उनका कहना है कि पेपर बहुत ही अच्छा था।